गाइस देख सकते हो, ये है सामने ऋचा तिवारी का घर। और हम आपको ये बताना तो भूल ही गए कि किससे और कहाँ मिलने चल रहे हैं। तो गाइस हम चल रहे हैं महेवा मिलने। हेलो गाइस, तो सभी को राम राम और स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि 2:46 हो गए हैं और गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही खास और बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो आप लोग बने रहें ब्लॉग में, और चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपना बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बहुत बढ़िया से बढ़िया और जल्द से जल्द लाता रहूँगा। ठीक है, तो आज चलने वाले हैं हम किसी मीटअप में, तो आप लोग बने रहें और दिखाते हैं कहाँ चलते हैं, किस मीटअप में चल रहे हैं। तो बस बहुत मज़ा आएगा। और फिलहाल हम आ चुके हैं, क्या बोलते हैं, बकेवर वाली रोड पर हैं और चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत आनंद आएगा आज के ब्लॉग में। तो गाइस सोचा तो हमने ये था कि सुबह से ब्लॉग बनाएंगे और बहुत बढ़िया ब्लॉग, मतलब ओवर से ओवर ज़्यादा ब्लॉग अच्छा बनाते, बट एक लोगों की कमी हो गई थी तो उसी में चले गए थे। तो अब थोड़ा लेट भी हो गए, तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग इन्जॉय करिए। चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। तो गाइस हम बकेवर आ चुके हैं और बकेवर फ्लाईओवर से। और गाइस हम आपको ये बताना तो भूल ही गए कि किससे और कहाँ मिलने चल रहे हैं। तो गाइस हम चल रहे हैं महेवा मिलने, क्योंकि अभी जो हमारे महेवा की एक इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने इटावा में धूम मचा रखी है, इतनी वायरल चल रही है इस वक्त। ठीक है, तो हमने कहा क्यों ना अपनी ऑडियंस से भी मिलवाया जाए और रूबरू कराया जाए। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो बस चलते हैं। और ये ऐसा कुछ बकेवर का पुल है और ये तुम्हारा भाई खड़ा है। ठीक है, ब्लैक शर्ट एकदम, चलते हैं। हम आ चुके हैं महेवा, और महेवा से बस अभी हम कॉल करते हैं और उसके बाद बिल्कुल फुल एड्रेस निकालते हैं और फिर चलते हैं, आप लोगों को मिलवाते हैं। और बहुत अच्छा मीटअप रहने वाला है, तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं ये है NH-19 और सामने ये है साफ फूड, जो कि बहुत ही बकेवर का फेमस है साफ फूड कोर्ट, ये देख सकते हो। और ऐसा कुछ सीन है, तो गाइस देख सकते हो ये है सामने ऋचा तिवारी का घर, और बहुत ही शानदार और सुंदर घर है। ठीक है गाइस, हम आ चुके हैं महेवा और ऋचा तिवारी जी से हम अभी मिल रहे हैं थोड़ी देर में, हमने उन्हें फ़ोन कर लिया है और फिर हम लोग जाएंगे कैफ़े पे, फ़ोटो वगैरह कराएंगे। और आप लोग बस बने रहें, देखो क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, तो गाइस चाय वगैरह आ गई है ऋचा के पास से, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो चाय पी लीजिए आप लोग। तो गाइस चाय पी रहे हैं एकदम बढ़िया से, और भी आप लोग देखिए ब्लॉग में क्या क्या होता है। तो गाइस ये रहा पीछे ऋचा तिवारी का घर, और बहुत बढ़िया लगा मिलके। और अभी हम लोग जस्ट कैफे से लौट के आए हैं, द पिज्जा। ठीक है महेवा, तो वहाँ का वीडियो वगैरह हमने नहीं बनाया, वो क्यों, वो थोड़ा रीजन था। ओके गाइस, फाइनली आज का मीटअप सफल रहा और हम निकल दिए हैं अपने घर के लिए वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 5 बज गए और अंधेरा भी होने लगा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, और चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों की एक शिकायत रहेगी मुझसे, वो क्या कि आपने वीडियो वगैरह तो बनाई नहीं, वो कुछ रीज़न था इसलिए नहीं बनाई।
वगैरह फ़ोटो वगैरह तो हमने खिंचा ली है।